धागा और चक को यूज करते हुए एक डिजाइन हमने बनाए हैं जो कि बहुत खूबसूरत है और सिंपल है। चलिए दोस्तों, वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक बने रहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल सा मैरिज पेंटिंग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ ये मैरिज पेंटिंग में कौन कौन सा कलर कैसे यूज किया और किस टाइप से बनाया इसके बारे में पूरे के पूरे इसी वीडियो में जानकारी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। बैकग्राउंड की दीवार पर कॉस्टली कलर दिया गया है जो कि ग्रीन कलर है और वो भी प्लास्टिक पेंट। और प्लास्टिक पेंट दिया गया दीवार पर अगर हम ज़्यादातर माउथ स्प्रे यूज करते हैं तो कलर बह जाता है और अच्छा नहीं दिखता पेंटिंग। इसीलिए ज़्यादातर ब्रश में पोताई करते हुए हम इस पेंटिंग को फर्स्ट से लास्ट तक बनाएंगे क्योंकि माउथ स्प्रे ज़्यादा यूज नहीं होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, ये जो कलर हमने यूज किए हैं प्लास्टिक पेंट वाइट कलर है और इसके साथ साथ ये जो ब्लैक कलर हम यूज किए हैं वो फेविक्रिल कलर है और इसके साथ साथ हम थोड़ा बहुत फ्लोरसेंट पाउडर कलर भी यूज करते हैं मैरिज पेंटिंग पर। और जो ब्रश यूज करते हैं वो ब्रश है गिलहरी वाल वाला ब्रश जो कि प्योर हेयर ब्रश है दोस्तों और ओरिजिनल भी है। जब हम पहले पहले काम की शुरुआत कर रहे थे और मैरिज पेंटिंग पहले हम किया करते थे, जब भी लोगों का कल आया करता था कि मैरिज पेंटिंग करने आओ बोल के, तभी हमने जब ज़्यादा डिजाइन की मालूम नहीं था, जब हम पेंटिंग के उतना हमें नॉलेज नहीं था और अब भी नहीं है भी दोस्तों, तब हम जब पहली बार कर रहे थे तब हमने सोच के रखे थे कि जो डिजाइन होगा बहुत सिंपल सा होगा और इसके साथ साथ ये जो सर्किल वाला जैसा डिजाइन यानी कि गोला डिजाइन हम पहले बहुत किया करते थे क्योंकि हमें उतना मालूम नहीं था। और अगर आप नए पेंटर हैं तो दोस्तों, आप सर्किल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे सिंपल सा डिजाइन बना सकते हैं जो कि आपके लिए आसान होगा और इसके साथ साथ वो डिजाइन बहुत बेहतरीन और सिंपल भी लगता है और देखने में सुंदर दिखता है। तो हमने पहले ये सब डिजाइन बनाते थे दोस्तों और इसके साथ साथ आज हम इसीलिए बनाए हैं ताकि हम पुराने बातों को फिर से दोहरा सकें और इसके साथ साथ पुराने यादों को भी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक नए पेंटर हैं या फिर पहली बार पेंटिंग आप सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं आपके लिए। तो दोस्तों, आप अगर पहली बार मैरिज पेंटिंग करने जाते हैं या फिर कोई डिजाइन के बारे में घर से ही सोच रखे हुए करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये डिजाइन के बारे में ज़रूर याद आएगा क्योंकि दोस्तों, अगर हम पहली बार कहीं ना कहीं मैरिज पेंटिंग करते हैं तो हमें ना जाने बहुत सारे आइडिया तो आता है लेकिन बना नहीं पाते हैं क्योंकि दोस्तों हमारा उतना एक्सपीरियंस नहीं होता और हम इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप ये डिजाइन को फॉलो कर सकते हैं, ऐसे गोला वाला डिजाइन बना के आप बेहतरीन एक रूप दे सकते हैं, एक मैरिज पेंटिंग बना सकते हैं। जबकि मैं पहली बार ये कर रहा था जब मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था और इस मैरिज पेंटिंग को जब हम नया नया करते थे। जी हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको बहुत पसंद आती है तो एक एक लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके वही पसंद भरा लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है ऐसे वाले वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको पहले प्राप्त हो सके। तो देखिए दोस्तों, ग्रीन कलर वाला दीवार है जो कि बैकग्राउंड दिया गया था। इसके साथ साथ हमने जो पत्ता जैसा डिजाइन बना रहे हैं, पहले नीला कलर को फोंके, उसके बाद बस येलो और ब्लू टचअप करते हुए ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन ला के उसे एक पत्ता डिजाइन दे रहे हैं। उसके बाद हम फ्लावर डिजाइन बनाएंगे ताकि जो गोला वाला और जो दिल यानी कि हार्ट अटैच डिजाइन बनाए हैं, इसका डिजाइन का खूबी बढ़ाने के लिए, सुंदरता को
और बेहतरीन करने के लिए यहाँ हमें कोई फूल सा डिजाइन बनाना बहुत। अगर आप इस टाइप का बहुत सारे मैरिज पेंटिंग या फिर नया नया सिंपल सा मैरिज पेंटिंग का डिज़ाइन के बारे में जानना चाहते हैं और इस टाइप का अगर पेंटिंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बहुत ही ऐसे वीडियो हैं जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद आपको हो सकती है। दोस्तों आप जाइए, हर वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नए नए पेंटर भाई लोगों के साथ हमारा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी फायदेमंद हो सके। इसके साथ साथ दोस्तों लाइक करना। जी हाँ दोस्तों, ये जो रेड कलर हम बीच में दे रहे हैं, जो राउंड वाला फ्लावर डिजाइन जैसे जो बनाए हैं, इसका खूबी बढ़ाने के लिए और सुंदरता को बस झलकते हुए दिखाने के लिए हमने रेड कलर को यूज किए हैं। उसके बाद देखिए, अभी जो पत्ता डिजाइन बनाए थे वो जो व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर को यूज करते हैं करते हुए ये वाला फ्लावर हम बनाएंगे। तो दोस्तों एक किराने दुकान के सामने, यानी कि वो जो दुकान है वही दुकान में हम पेंटिंग कर रहे हैं और उनके शादी है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम मैरिज पेंटिंग कर रहे हैं। इसी पेंटिंग के बारे में और कुछ हम नहीं बोलेंगे दोस्तों। अगर आपको इसी पेंटिंग में कुछ जानकारी की ज़रूरत है या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही है, इसके साथ साथ इसी वीडियो को आप म्यूजिक के साथ एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, शुक्रिया दोस्तों।